ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास मत हासिल करना था और यहां वो भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकता और किसी से भी समर्थन हासिल नहीं कर सकता। आज अटल वाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए और 2024 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ जैसे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए हैं ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम दावों को एक करारा तमाचा है जिसमें वो ये कहते रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, जिसमें वो एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताते रहे। और आज अटल जी का ये संसद में दिया गया भाषण कहीं ना कहीं आईना दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा बीजेपी को। याद कीजिए, बाहुबली नेता डीपी यादव वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रेस में बवाल हुआ था क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी की हरकतों पर प्रेस टिप्पणी किया करती थी। प्रेस में बवाल हुआ और भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा और डीपी यादव को बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा। ये अटल अडवाणी की बीजेपी हुआ करती थी। आज उस बीजेपी को पूरी तरह से भूल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि आज बृजभूषण शरण सिंह बदस्तूर बने हुए हैं, डंके की चोट पर बने हुए हैं और हमारे जो गौरव, हमारे जो खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे वो न जाने कहां गुम हो गए हैं। अब कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि अमित शाह से क्या मुलाकात हुई थी हमारे खिलाड़ियों की कि उनके तेवर ही पलट गए। वो पुरानी बीजेपी थी और ये मौजूदा बीजेपी थी। वो पुरानी बीजेपी थी और ये मौजूदा बीजेपी है। आज की बीजेपी जो सिर्फ अंधभक्ति पर चलती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के इर्द गिर्द घूमती है और लोकतंत्र का उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं आपके सामने अटल जी का एक और बयान सुनाऊंगा दोस्तों, मगर पहले मैं आपके सामने न्यूज लॉन्ड्री की एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। इसमें दोस्तों गोदी मीडिया के पत्रकार ये कह रहे थे कि अमरीकी संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा रुतबा है कि अमरीकी राजनेता, सेनेटर, सांसद प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ ले रहे हैं। सरासर झूठी बात दोस्तों, क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा था उसमें एक परंपरा के तहत उन्हीं के भाषण पर उनके दस्तखत लिए जा रहे थे। मैं चाहूंगा आप न्यूज लॉन्ड्री को सुने कि गोदी मीडिया क्या कह रहा था और हकीकत क्या है, सुनिए। चर्चा के बाद कई सेनेटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ लिया। जो स्पीकर हैं अमेरिकी संसद के मैकेथी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ लिया है। मोदी जी आखिर साइन क्या कर रहे हैं? ही साइनिंग अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ हिज स्पीच और रिमार्क्स। सबके पास उनकी स्पीच की एक कॉपी है और वो मोदी जी से इस कॉपी पे साइन करा रहे हैं। दिस इज अ वेरी यूजुअल थिंग टू डू। एक महीने पहले साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने भी ये किया। और ये क्या, मनमोहन सिंह ने भी ऑटोग्राफ दी थी। तो देखा आपने, दुनिया भर के नेता जो अमेरिका आते थे और जब वो संसद को संबोधित करते थे वो भी बाद में इसी तरह से दस्तखत किया करते थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इसी तरह से अनर्गल झूठे बयान जो है वो मीडिया देता है। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों? यही नहीं दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के मौके पर किस तरह से यह चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबका गुरु बता रहा था आपके स्क्रीन पर। राजनीति में सबके गुरु तभी तो नरेंद्र मोदी, विपक्षी जिस स्कूल के स्टूडेंट मोदी हेडमास्टर, गुरु पूर्णिमा स्पेशल मोदी संहिता सुपर एक्सक्लूसिव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरु पूर्णिमा के समकक्ष रख दिया गया है।
यानी कि लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है, राजनीति के कोई मायने नहीं है। याद कीजिए, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगोल के सामने साष्टांग हो रहे थे, तब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि एक जो महाराजा हैं वो संगोल के सामने साष्टांग हो रहे थे। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बनाता है तो कोई उन्हें महाराजा बनाता है। इस भारतीय जनता पार्टी को शर्म में डूब जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक अटल जी की बीजेपी हुआ करती थी जिसमें इन चीजों की कोई जगह नहीं थी। अब मैं आपको दोस्तों अटल जी का यह भाषण जो है यह बतलाना चाहता हूं। उनका यह भाषण शायद 1989 के चुनावों से पहले दिया गया था। इसमें अटल जी क्या क्या कह रहे हैं उस वक्त की कांग्रेस की सरकार में, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। और अटल जी जो जो बातें यहां कह रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में कह रहा हूं कि अटल वाणी को भूल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए और एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। पहली बात जो यहां पर अटल जी ने कही, देश की एकता खतरे में है, मौजूदा सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आई है, मीडिया की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान, गवर्नर केंद्र के एजेंट बनकर चुनकर आई सरकारों का तख्ता पलट कर रहे हैं। बेशक अटल जी ने उस वक्त की कांग्रेस की सरकार में ये तमाम बातें कही हों, मगर ये एक एक शब्द आईना दिखा रहा है मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को। पहली बात पर गौर कीजिए, देश की एकता खतरे में। इससे पहले कभी भी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके पालतू मीडिया ने रेडियो रवांडा का काम नहीं किया था। देश कोरोना के संकट का सामना कर रहा है और उस वक्त मुसलमानों के बहिष्कार की बात की जा रही है। मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो टी राजा सिंह हो, प्राची हो, खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, खुलेआम अराजकता की बात करते हैं, खुलेआम ऐसे बयान देते हैं जिससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं। और ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। इस देश में ऐसे कई हालात हुए हैं जब देश की एकता पर सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो गुजरात के दंगे हों, चाहे वो 1984 में सिखों का नरसंहार हो जो कि कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था, मगर बावजूद इसके कभी भी राजनेताओं या मीडिया ने दंगाइयों का साथ नहीं दिया। अब दूसरी बात पर गौर कीजिए जो अटल जी ने कही थी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अटल जी ने यहां कहा, राजनीति का अपराधीकरण। आज ये सरकार राजनेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेता अगर उन पर कोई अपराध होता है। उल्टा इस पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी के राजनेता बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जिस पर गंभीर आरोप थे उस पर एक्शन लेने में कितना वक्त लगा दिया था। बृजभूषण शरण सिंह, उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। खैर एक शब्द तो उन्होंने मणिपुर में नहीं कहा जहां हालात अब भी बद से बदतर हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना। मौन व्रत तो प्रधानमंत्री धारण किए हुए हैं और बदनाम कौन है, मनमोहन सिंह। अब तीसरी बात पर गौर कीजिए दोस्तों, अटल वाणी, नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय के वो नौकरशाह हो, चाहे पुलिस के अंदर कई मुलाजिम हो, योगी सरकार के अंदर तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वाले आप देख रहे हैं, उनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। आज की तारीख में जो नौकरशाह बयान देते हैं ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रहे हैं, यानी कि उनके बयानात के सामने भारतीय जनता पार्टी के वाहियात प्रवक्ता संबित पात्रा, प्रेम शुक्ला और गौरव भाटिया शर्मा जाएं। कोई फर्क नहीं रह गया है नौकरशाहों, पुलिस वालों और भाजपा के प्रवक्ताओं में। तो यहां जो बात अटल जी कह रहे हैं कि नौकरशाहों और पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, यहां पर तो वो साफ तौर पर मौजूदा मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। फिर अगली बात पर गौर कीजिए जो अटल जी ने कही है आपकी स्क्रीन पर,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आई है। मैं आपके सामने कुछ चेहरे पेश करना चाहूंगा दोस्तों। याद कीजिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने के बाद सीधे राज्यसभा पहुंच जाते हैं। याद कीजिए जस्टिस अब्दुल नजीर रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों बाद इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है। याद कीजिए जस्टिस अशोक भूषण कुछ ही दिनों बाद रिटायरमेंट के ये एनसीएलएटी के प्रमुख बना दिए जाते हैं। याद कीजिए उन जस्टिस को जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत महान शख्सियत बताया था। याद कीजिए जस्टिस एम आर शाह अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लोकतंत्र के लिए वरदान मान रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब जजेस इस तरह से खुलेआम सत्ता के पक्ष में दिखाई देंगे या सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी के फायदे में मोहरे दिखाई देंगे तो न्यायपालिका पर तो सवाल उठेगा ही ना। तो अटल जी ने बेशक उस वक्त की कांग्रेस की सरकार को आईना दिखाया था, मगर आज क्या हो रहा है बताइए। अब अटल जी की अगली बात पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अटल जी ने अपने बयान में यह भी कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान। यहां तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्मृति ईरानी से एक पत्रकार सवाल भी नहीं पूछता, स्मृति ईरानी उसे धमकाती है और अगले दिन दैनिक भास्कर उस स्ट्रिंगर को नौकरी से हटा देता है। याद कीजिए सिर्फ इसलिए कि एक मीडिया संस्थान ने किसानों माइनॉरिटीज और वंचितों की आवाज उठाई थी, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके दफ्तर पर 114 घंटे तक रेड मारी थी, आज भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। याद कीजिए उन पत्रकारों ने जिन्होंने पुलवामा के दौरान, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सिर्फ यह सवाल किया था कि कहीं पुलवामा एक इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है, कहीं पुलवामा का हमला इंटेलिजेंस में हुई नाकामी की वजह से तो नहीं हुआ है। हमारे नंबर्स को सार्वजनिक कर दिया गया था यह बताते हुए कि ये देश के गद्दार हैं। 60 घंटे तक मेरा फोन बजता रहा था और मेरे अलावा कुछ और पत्रकारों के भी। हमें गालियां दी गई, हमारे परिवार की महिलाओं को बलात्कार की धमकियां दी गई और यह सब हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के कहने पर। तो मीडिया की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो आज जो मीडिया की हालात है उसके सामने तो इंदिरा गांधी का आपातकाल शर्म आ जाए। उल्टा आज मीडिया एक अपराधी का किरदार निभा रहा है, रेडियो रवांडा बन चुका है, गिबल्स हिटलर के गिबल्स जैसा प्रचार तंत्र बन रहा है, मीडिया की तो क्या कहने। और अटल जी आखिरी बात गवर्नर्स के बारे में कहते हैं आपके स्क्रीन पर, वो ये कहते हैं कि गवर्नर केंद्र के एजेंट बनकर चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट कर रहे हैं। कुछ मिसाल देना चाहता हूं, गवर्नर रवि और उनका जो विवाद चल रहा है तमिलनाडु सरकार के साथ, एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को बर्खास्त करना और जब बवाल होता है तो अपने फैसले पर यूटर्न लेना। झारखंड के गवर्नर क्या कर रहे हैं बताइए। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे तब वो किस तरह से ममता बनर्जी से रोज भिड़ते रहते थे, मानो वो भाजपा के नेता हैं। उनके सामने तो सुवेंदु अधिकारी हल्के पड़ जाते थे। हालांकि जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठकर भी कई ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनकी पद की गरिमा को कम कर रहा है। यानी कि मोदी के काल में ना राज्यपाल के पद के कोई मायने रहे, उपराष्ट्रपति के पद पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तो उस नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए अटल जी का यह भाषण भी मौजूदा मोदी सरकार के लिए आईना है कि आपके इस कार्यकाल में राज्यपालों की, उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की क्या दुर्दशा हो गई है। याद कीजिए महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी का किस तरह से इस्तेमाल किया था उद्धव सरकार को गिराने के लिए, और बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी राज्यपाल के किरदार पर। इसीलिए अटल जी ने जो बात उस वक्त कही थी उस वक्त की सरकार पर, आज वो एक एक बिंदु सही साबित हो रहा है मौजूदा मोदी सरकार पर। सच है या गलत है आप खुद बताइए मुझे।
या आईना, अटल जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं मगर इन्हें कोई परवाह नहीं है। इनमें इस कदर अंधभक्ति है दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जब भी मैं कार्यक्रम करता हूं, जब भी मैं न्यूज क्लिक पर कार्यक्रम करता हूं, कमेंट सेक्शन में देखिएगा, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, इनके जो अंधभक्त हैं इनके पास तर्क नहीं होते हैं, वो सिर्फ गाली देना जानते हैं। अरे मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तर्क दो ना। जब आप गाली देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात का परिचय दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति से आप इंस्पायर्ड हैं, प्रेरित हैं, वो आपको किस तरह से प्रेरणा दे रहा है। ये उस व्यक्ति के चरित्र पर एक बहुत गंभीर सवाल है। जब आप गाली गलौज करते हैं तर्क देने के बजाय, और तमाम मोदी अंधभक्तों की यही हालत है, क्योंकि ये लोग आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अपने कार्यक्रम में मैंने जो जो बातें सुनाई, बताइए इसमें क्या गलत था? एक भी गलत बात नहीं थी, मगर तर्क के नाम पर आप सिर्फ गाली दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये आप पर एक सवालिया निशान है, आपके आदर्शों पर एक सवालिया निशान है। बात समझ आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।